हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीप राजचंद्राकर और आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का क्रैश कोर्स। आज का दिन दशहरे का दिन, हैप्पी दशहरा। आज के दिन अच्छाई की जीत हुई थी बुराई पे, है ना, सबको पता है ये चीज़, और उसी के लिए अपन ये दिन मनाते हैं, है ना। सो देखिए, आप में कोई बुराई नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। बस सत्य, अगर आप बुराई ढूंढने जाओगे तो एक चीज़ है, वो है डिसिप्लिन। उस पर अगर मिस कर रहे हो तो उसको आप सही करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं इसका आउटपुट आपको एग्ज़ाम टाइम में दिखे। डिसिप्लिन, एक्चुअली डिसिप्लिन होना ज़रूरी इसलिए है पूरे लाइफ में, है ना। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में, क्योंकि आप एग्ज़ाम निकालेंगे, आप एक ऑफिसर बनेंगे। सो यार, आप सोचिए, एक ऑफिसर कभी आप देखे होंगे तो उनकी लाइफ किस तरीके से रहती है। वो एकदम डिसिप्लिन रहते हैं। और उसी तरीके से आपको अभी क्या कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आपको सारी चीज़ों का प्रिपरेशन करना रहेगा। हाउ टू लिव, किस तरीके से जीना है, क्या है ना। तो ये सब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके लाइफ में इन्वॉल्व करते जाइए, ऐड करते जाइए, ठीक। और इसी से ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो पहला स्टेप है, एक स्टेप है मेरे हिसाब से। देखिए, बचपन से हम एक चीज़ सुनते आए हैं। पहले टेंथ में थे तो बोलते थे कि टेंथ पढ़ लो बेटा, बस हो गया। फिर ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ पढ़ लो बेटा, हो गया। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कर लो बेटा, हो गया। एक्चुअली दिस इज द एग्जामिनेशन, है ना। ये कर लो, उसके बाद और भी स्टेप्स आएंगे लाइफ में। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, ये पहला स्टेप है जब आप कदम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद तो बस आपको आगे जाते रहना है, पीछे नहीं देखना है, ठीक। ठीक है भाई, सो हैप्पी दशहरा सभी को, और लग जाइए काम पे, ठीक। लास्ट क्लास में अगर मैं बोलूँ तो आपको आईसी मेथड से मैंने सवाल सॉल्व करवाए थे, और किस तरीके से आईसी मेथड अप्लाई होता है उसके बारे में बताया था। आज मैं बात करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के बारे में। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जो है वो एक ग्राफिकल मेथड है। इसमें ऑब्वियसली स्केल पेंसिल की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेट एग्ज़ाम में जिस तरीके से सवाल आएंगे, तो क्या सर वहां पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपको ज्योमेट्री पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। आपको स्केल पेंसिल लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप जस्ट ज्योमेट्री पे ध्यान दोगे तो सारे सवाल बन जाएंगे। वो देखेंगे किस तरीके से, मैं आपको सिखाता हूँ धीरे धीरे। सबसे पहली बात, आपको ये पता है कि प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन में वेलोसिटी किस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं प्योर रोटेशन का, नंबर वन, कोई लिंक है वो यहां पे टर्निंग पेयर बना रहा है। लेट अस अज्यूम ये लिंक ए बी है। अगर ये लिंक प्योर रोटेशन में है विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन द पॉइंट A will have a linear velocity with respect to point B and that will be perpendicular to this. This is your VA. So I can write VA equal to omega into RA. RA is this one. Okay. So this is nothing but velocity of point A with respect to B. Just मैंने वी ए इसलिए लिख दिया क्योंकि पॉइंट बी क्या है, आपका फिक्स्ड है। और इसका डायरेक्शन क्या हुआ, इसका डायरेक्शन कैसे निकाले, ओमेगा जिधर जा रहा है, ओमेगा जिधर जा रहा है, लिंक के परपेंडिकुलर एक लाइन आपको खींचना रहेगा, वही आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा, लिनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा, है ना, प्योर रोटेशन के केस में। अब जैसे कि अगर मैं इसी लिंक को अलग किया, प्योर रोटेशन का केस समझा रहा हूं और साथ के साथ ये सवाल पूछा गया था। Let us assume AB is a rigid link. AB is a rigid link. Okay, ठीक। AB आपका एक rigid link है, ठीक। A point A हो गया, ये point B हो गया। Let us assume point B will have some velocity. है ना, इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी मैं मान लिया वी बी कुछ है, ठीक। इस डायरेक्शन में वी ए है, लेट अस अज्यूम ये वी ए हो गया, ठीक। ये यहां से एंगल बना रहा है अल्फा,
लेट अस अज्यूम ये एंगल बना रहे हैं यहां से बीटा। सो यार वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा अलोंग द रिजिड लिंक। अलोंग द रिजिड लिंक यार ऑब्वियसली आप कह सकते हो सर दिस इज नथिंग बट वी बी कॉस बीटा एंड वी ए कॉस अल्फा, यही होगा यही होगा। सो अलोंग द लिंक, अलोंग द रिजिड लिंक, दिस इज योअर रिजिड लिंक। सो वेलोसिटी अलोंग द रिजिड लिंक शुड बी ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, क्योंकि ये रिजिड लिंक है। अगर रिजिड नहीं रहेगा सो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी अलग अलग रहेंगे, लेकिन अगर रिजिड है सो अलोंग द लाइन, अलोंग द रिजिड लिंक क्या होने वाला है, इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर सेम है तभी तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, नहीं तो अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी अलग अलग है सो या तो इस पे क्या होगा कंप्रेशन होगा या तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। सो एक रिजिड लिंक ना तो कंप्रेस हो सकता है और ना ही स्ट्रेच हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि सर ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी अलोंग द लिंक दोनों का जो वेलोसिटी आ रहा है वो सेम होना चाहिए। मतलब यहां से मैं रिजिड लिंक के लिए दिस इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड लिंक, ठीक। सो मैं कह सकता हूं फॉर रिजिड लिंक वेलोसिटी अलोंग द लिंक दैट इज योर वी ए कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू वी बी कॉस बीटा, तभी ये रिजिड लिंक होगा। मतलब अलोंग द लिंक कोई रिलेटिव वेलोसिटी आ सकता है क्या? नहीं सर। इसका दूसरा कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ठीक भाई। दिस इज योर वी ए साइन अल्फा एंड ये परपेंडिकुलर टू द लिंक वी बी साइन बीटा। नाउ माय डियर रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूं रिजिड लिंक का रिलेटिव वेलोसिटी, क्या अलोंग द लिंक रिलेटिव वेलोसिटी होगा क्या? नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो होगा अलोंग द लिंक। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लिंक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी तो ये रिजिड लिंक होगा। सो अलोंग द लिंक रिजिड बॉडी का कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगा अलोंग द लिंक, है ना, ये नहीं आने वाला रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर सेम है सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। बट देयर विल बी रिलेटिव वेलोसिटी दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू द लिंक। ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं वी ए बी, वी ए बी अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो वी ए माइनस वी बी सर। अगर मैंने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है सो वी ए, वी ए साइन अल्फा माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन रहा एक, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन माना, सो ये वाला किधर जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो माइनस वी बी साइन बीटा, सो दिस शुड बी द रिलेटिव वेलोसिटी वी ए साइन अल्फा प्लस अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए वी बी साइन बीटा। सो आपका ये रिलेटिव वेलोसिटी निकला और रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहा? परपेंडिकुलर टू द रिजिड लिंक। सो हमेशा याद रखना कि रिजिड लिंक में जो वेलोसिटी आता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द रिजिड लिंक, है ना। किस तरीके से आया वो मैंने बता दिया। अब देखिए दूसरा आपका एक केस होता है प्योर ट्रांसलेशन, एक फ्लैट सरफेस पे ये वाला लिंक चल रहा है, लेट अस अज्यूम प्योर ट्रांसलेशन में विद द वेलोसिटी वी। सो ये अपने को पता है, इस पे मैंने बताया क्या दिया, ये डायरेक्शन क्या दिया आपका वी ए क्या था? परपेंडिकुलर टू द लिंक था। तो यहां पे डायरेक्शन क्या हुआ? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लिंक ए बी था। ऑब्वियसली यार ये रिलेटिव वेलोसिटी था, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो कर दूंगा सिर्फ यही वेलोसिटी बच जाएगा और यही रोटेट करेगा, प्योर रोटेशन में आ जाएगा। वही तो कर रहा हूं, प्योर रोटेशन में पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या कर दिया? जीरो कर दिया। ये वेलोसिटी अगर जीरो कर दूंगा तो प्योर रोटेशन में आ जाएगा, यही तो हो रहा है, ठीक।
सो एक्चुअली जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैंने जीरो कर दिया, सो मतलब ये प्योर रोटेशन में आ जाएगा और उसका डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द लिंक ए बी। यही तो था। लेकिन यहां पे अगर आपका प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, सो आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, जो वेलोसिटी होगा, दैट शुड बी द पैरेलल टू द लिंक। यहां पे जो डायरेक्शन होगा वो पैरेलल टू द लिंक। कौन सा लिंक सर? कौन सा लिंक? फिक्स लिंक। पैरेलल टू द फिक्स लिंक जिस पे आपका प्योर ट्रांसलेशन हो रहा होगा। यहाँ पे अगर ये लिंक नंबर वन है, ये लिंक नंबर टू है, सो लिंक नंबर टू इज इन द प्योर ट्रांसलेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिंक नंबर वन। ये आपका क्या हो रहा है? इस पे स्लाइड हो रहा है सर। लिंक नंबर टू वन पे स्लाइड हो रहा है। सो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, दैट शुड बी द पैरेलल टू द फिक्स लिंक। डायरेक्शन होगा पैरेलल टू फिक्स्ड लिंक। ठीक। सो इसका डायरेक्शन होने वाला है पैरेलल टू द फिक्स लिंक आपका किस पे? अगर प्योर ट्रांसलेशन हुआ तब। क्लियर है? एक प्रॉपर्टी और होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। एक प्रॉपर्टी और होता है कि आपका जो लिंक में जो पॉइंट रहेगा, अगर सिंगल लिंक में मैं दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट देख सकता हूं, सो एक लिंक में अगर जो भी पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो, सो उस लिंक में उस पॉइंट के डिस्टेंस का रेशियो और वेलोसिटी का रेशियो, वेलोसिटी डायग्राम, ये आप क्या बनाओगे? अब वेलोसिटी डायग्राम बनाने वाले हो। सो वेलोसिटी डायग्राम, या जिसको वेलोसिटी इमेज भी कहते हैं, सो वेलोसिटी इमेज में जो वेलोसिटी का रेशियो होगा उस पॉइंट का, सेम रेशियो में आपका लिंक के डिस्टेंस में भी होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जो मैं पॉइंट बोला हूं उसका मतलब समझिएगा। यहां कहीं मैंने सी पॉइंट मान लिया, ये कितना है आर सी के बराबर, ये कितना है आर ए के बराबर सर। ठीक। सो अगर मैं ए सी डिवाइडेड बाय सी बी करूं, ए सी डिवाइडेड बाय सी बी, सो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दिस वन, कि ए सी और सी बी का रेशियो एक ही लिंक है, एक ही लिंक है। ठीक। इसी रेशियो में आपका, इसी रेशियो में आपका क्या आएगा? इसी रेशियो में आपका रिलेटिव वेलोसिटी होने वाला है। मतलब सर यहां पे आपका इट शुड बी ए सी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी शुड बी इक्वल टू सी बी। स्मॉल लेटर में मैं शो कर रहा हूं, मतलब ये वेलोसिटी बता रहे हैं। ये आपका जो वेक्टर लाइन आप जो खींचोगे ना, वेलोसिटी डायग्राम जो खींचोगे उसका रेशियो बता रहा है। सो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपका जो लिंक जिस रेशियो में रहेगा, है ना, लिंक का लेंथ जिस रेशियो में रहेगा। कुछ प्रॉब्लम कर रहा है क्या? दो बार हो गया, ठीक है, अभी सही है। सो आपका जिस रेशियो में रहेगा, जिस रेशियो में रहेगा आपका लिंक का डिस्टेंस, उसी रेशियो में रिलेटिव वेलोसिटी रहने वाला है। क्लियर है? सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे और वहीं से चीजों को निकालेंगे जो पूछा रहेगा। ठीक। देखिए मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड सिखाने वाला हूं, साथ के साथ ये भी बताने वाला हूं कि स्पेशल केसेस पे ही सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर। सो स्पेशल केसेस का पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद रैंडम कोई भी केस लेके हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। सो केस नंबर वन जिस पे रिलेटिव वेलोसिटी हमको इस्तेमाल करना है, केस नंबर वन, एक फोर बार मैकेनिज्म, लेट अस अज्यूम। इस तरीके से है, ठीक। यहां पे ये वाला लिंक परपेंडिकुलर है, यहां पे ये वाला लिंक परपेंडिकुलर है, इसको ओ ए बी एंड सी इस तरीके से मैंने बोल दिया। ठीक। लेट अस एज्यूम ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा ओ ए मैंने कह दिया, ठीक, इससे घूम रहा है, या ए ओ, ओमेगा ए ओ, चलो ये
घूम रहा है, इससे घूम रहा है। नाउ माय डियर, इसका अगर मुझे वेलोसिटी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक स्पेस पे अपन स्केल एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम यहाँ पे स्केल मान लिया, स्केल मान लिया, और स्केल में मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड इस तरीके से कुछ एज्यूम कर लिया। अगर ओमेगा ए की वैल्यू आपको 10 रेडियन पर सेकेंड दिया है, लेट अस एज्यूम, ठीक, इसकी वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, या मैंने बोल दिया जस्ट, चलिए आपको 1 मीटर बोल दिया, मीटर में बोल दिया, मीटर में बोल दिया, आसान होगा मेरे लिए कैलकुलेशन। सो वी ए निकाल सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वो, बिल्कुल सर, वी ए विथ रिस्पेक्ट टू वो दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, यहाँ से ये परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में वी ए जाना चाहिए, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा ए ओ इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज योर ओमेगा ए ओ, और ये वाला डिस्टेंस ए ओ, सो आपका कितना हो जाएगा 10 × 1, 10 × 1, सो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। हमको ये वेलोसिटी मिल गया पॉइंट ए का विथ रिस्पेक्ट टू ओ, दैट इज योर पॉइंट ओ इज फिक्स, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए मिल गया, ठीक। सो मैं अब यहां पे स्केल एज्यूम कर लिया हूं, सो स्पेस पे एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट कैसा है, फिक्स्ड है, सो फिक्स पॉइंट उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है ऑब्वियसली, सो आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट आपका फिक्स्ड है, सो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। सो यहां पे अगर मैं देखूं, सो वेलोसिटी डायग्राम में ना हमेशा जो आपका कॉन्फिग्रेशन, ये क्या कहलाता है, कॉन्फिग्रेशन डायग्राम, सो कॉन्फिग्रेशन डायग्राम में जो आपके लिखे रहते हैं, ये जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं, वो अगर कैपिटल लेटर में है तो वेलोसिटी डायग्राम में इन जनरल स्मॉल लेटर में शो करते हैं। सो जैसे मैंने स्मॉल ओ और स्मॉल सी, ये पॉइंट को फिक्स पॉइंट है, सो मैंने शो कर दिया। अब देखिए पॉइंट ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या हमने निकाल लिया, बिल्कुल सर, पॉइंट ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डायरेक्शन क्या आया, ये आया, और वो 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो वन आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड अगर मैंने कंसिडर किया है, तो 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन भी पता है, तो 10 सेंटीमीटर का एक लाइन मैं खींच दूंगा, लेट अस एज्यूम। सो ये जो पॉइंट मिलेगा वो होगा आपका ए, वो होगा आपका ए, ए पॉइंट मिल गया। अब देखिए पॉइंट बी का वेलोसिटी देखना चाह रहा हूं, पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पहला क्या देखा, पॉइंट ए का विथ रिस्पेक्ट टू ओ, अब पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर देखना चाहूंगा, अगेन ये टर्निंग पेयर में है, सो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो वेलोसिटी आएगा पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, यही तो बताया था, यही तो बताया था, ठीक। सो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, सो सर ये वाला जो लाइन है यहां पे खींच दीजिए, यहां पे खींच, इस लाइन में ना सर कहीं ना कहीं बी है, इस लाइन में कहीं ना कहीं बी है, बट ऑब्वियस है बी है, ठीक ठीक है सर, बी है इस लाइन में कहीं ना कहीं बी है, अपने को नहीं पता कहां मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है अपने को नहीं पता। अब एक चीज पता है यहां पे कि पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी, अगर वेलोसिटी देखता हूं पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी कहां है, फिक्स्ड है, सी कहां है, फिक्स्ड है, और पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी देखूंगा तो दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक होना चाहिए, ठीक। सो पॉइंट सी से पॉइंट बी का देख रहे हो, पॉइंट सी से पॉइंट बी का देखूंगा, सो एक परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा, ये वाला इसके पैरेलल एक लाइन खींचूंगा, कहां पे, सी से, सी से, सी से अगर एक लाइन खींचूंगा तो वो लाइन इधर भी खींच सकता हूं, इधर भी खींच सकता हूं। सो अगर मैं इधर खींच रहा हूं, इधर खींच रहा हूं, तो ये देखिए ये वाला जो लाइन था उसमें कहीं ना कहीं बी था, ये वाला जो लाइन था उस पर कहीं ना कहीं बी था, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों में बी कहीं ना कहीं था, जहां पे इंटरसेक्ट होगा, जहां पे इंटरसेक्ट होगा वही बी पॉइंट होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले मैं देखा पॉइंट ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वो फिक्स का,
सो फिक्स मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ये तो पता था, इसका मैग्नीट्यूड वगैरह सब पता था, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ए मिल गया था। पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ये तो परपेंडिकुलर टू दिस लिंक सर, इसमें कहीं ना कहीं बी होगा, आई डोंट नो कहाँ है अभी, है ना, लेकिन होगा इसी में कहीं ना कहीं होगा। उसके बाद पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी देख रहा हूं, मतलब फिक्स के रिस्पेक्ट में, सो यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन अगर डालूंगा तो ये परपेंडिकुलर लाइन सी से अगर मैं डालने की कोशिश करूंगा तो इस लाइन को जिस पे बी था कहीं ना कहीं वो ये वाला लाइन यही यहां पे काट रहा है, बिकॉज इस लाइन में भी कहीं ना कहीं बी रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे हो पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी, सो इस लाइन में कहीं ना कहीं बी रहा होगा, इस लाइन में कहीं ना कहीं बी रहा होगा, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका बी होने वाला है, मतलब ये पॉइंट आपका बी भी होगा, यही पॉइंट आपका बी होगा। सो अगर यहां पे मैं बोलूं तो वेलोसिटी डायग्राम कैसा बना, आपका स्ट्रेट लाइन बना। सो यहां से ना ये स्पेशल केस इसीलिए मैं कराया, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, और जब भी दो लिंक, ये वाला लिंक और ये वाला लिंक आपस में पैरेलल रहे और परपेंडिकुलर रहा हॉरिजॉन्टल के, सो हमेशा वेलोसिटी डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सो वेलोसिटी डायग्राम, पहला पॉइंट अपने को पता चल रहा है, वेलोसिटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन है भाई, स्ट्रेट लाइन पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी विल बी सेम, यस दैट इज योर एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वी ए शुड बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी बी। एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि इस पॉइंट ये तो फिक्स है, यहां से देखूंगा तो ये आपका वी ए हो जाएगा यहां से यहां तक, और यही आपका वी बी के बराबर है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। सो वी ए को कैसे लिख सकता था, दैट इज योर ओमेगा ए ओ इंटू ए ओ, ये वाला डिस्टेंस, ठीक। सो ओमेगा ए ओ इंटू वी ए ओ, ये तो पता है, ये नोन है। अगर मुझे ओमेगा बी सी निकालने को बोला सो ये बी सी के बराबर होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे पता है सो क्या मैं ये एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ इस लिंक का, बिल्कुल सर। तो यहाँ से आप ओमेगा बी सी, साथ के साथ अगर आपको पॉइंट बी का वेलोसिटी पूछा वो तो डायरेक्ट वी ए के बराबर हो जाना चाहिए, क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, ठीक। सो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा बी सी निकाल सकते हैं आराम से, अगर बी सी का डिस्टेंस पता है तो, क्लियर है, ठीक। नाउ माय डियर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी, क्या रिलेटिव वेलोसिटी, थर्ड वन वी बी ए, दिस इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो यार दोनों पॉइंट की वेलोसिटी तो सेम है सर, सो वी बी माइनस वी ए शुड बी इक्वल टू वॉट, जीरो, जीरो। सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा। एंड वन मोर थिंग इस केस में जो देखने को मिलेगा, लिंक ए बी आपका देखिए, ये वाला ओ ए यहां पे फिक्स के रिस्पेक्ट में हिंज है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, सो ये किस पे होगा, प्योर रोटेशन पे होगा। सिमिलरली इसकी जीरो है तो ये प्योर रोटेशन में होने वाला, अभी तो बात किया था मैं, लेकिन ये वाला देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी है, ये पॉइंट की वेलोसिटी है, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी है, सो इट मे बी रोटेशन, प्योर रोटेशन, इट मे बी ट्रांसलेशन, और इट मे बी बोथ। सो अगर मैं बात करूं इन जनरल, ये वाला जो लिंक होगा ए बी वो किस में होना चाहिए, जनरल मोशन में होना चाहिए, लेकिन एट दिस इंस्टेंट अगर मैं कहूं यार वी ए बी तो आपका क्या है, जीरो है, सो यहां से अगर मैं कहूं इक्वल टू ओमेगा ए बी इंटू ए बी, ए बी ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, सो यहां से ओमेगा ए बी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है सर, ओमेगा ए बी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मिल गया जीरो, ठीक। मतलब आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस लिंक एट दिस इंस्टेंट विल बी जीरो, मतलब ये लिंक अगर मोशन में है इस इंस्टेंट पे सो उस पर कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, तो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन, क्योंकि लिंक किस में हो सकता था, जनरल मोशन में, और अगर ये मोशन में है उस समय एंगुलर वेलोसिटी जीरो आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी जीरो आ रहा है, मतलब रोटेशन जीरो हो गया,
तो बच सिर्फ क्या गया, ट्रांसलेशन। सो मैं कह सकता हूं दिस लिंक विल बी इन द प्योर ट्रांसलेशन एट दिस इंस्टेंट, दिस लिंक विल बी इन द प्योर ट्रांसलेशन, लिंक ए बी विल बी इन प्योर ट्रांसलेशन। योर ट्रांसलेशन। सो ये अपने को पता चल गया भाई, ये अपने को पता चल गया। सो इतनी सारी जानकारी मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूं और ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। केस नंबर टू, केस नंबर टू। अभी फोर बार मैकेनिज्म का एक स्पेशल केस दिखाया, अभी आपको मैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एक स्पेशल केस दिखाता हूं। अगर आपका क्रैंक लाइन ऑफ स्ट्रोक, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक होगा, दिस इज योर लाइन ऑफ स्ट्रोक। सो केस नंबर टू मैं जो बता रहा हूं उस पर ऐसा है कि लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर है क्या क्रैंक, क्रैंक और लाइन ऑफ स्ट्रोक अगर आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, सो वो वाला केस मैं यहां पर डील करने वाला हूं। लेट अस अज्यूम इसको मैंने कहा ओ ए और ये बी हो गया, और ये जो आपका स्लाइडर जिसपे स्लाइड होगा उसको मैंने सी बोल दिया, ये फिक्स्ड सी बोल दिया, ठीक। इसको एंगल अल्फा दिया, ये एंगल लेट अस अज्यूम बीटा है, जो कि निकाल सकते हैं अगर ये डिस्टेंस दिया है तो, ठीक। अब देखिए इसका वेलोसिटी डायग्राम, सबसे पहले सर स्केल लेते हैं, स्केल ले लिए, ठीक। वेलोसिटी डायग्राम और ड्रॉ करने जाऊंगा, इसका अगर ओमेगा दिया है, ओमेगा दिया है, ओमेगा ए वो दे रखा है, सो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए निकाल सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विल बी ओमेगा ए ओ इन टू ए, सो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए मिल जाएगा, एंड दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस लिंक। मतलब अगर मैंने फिक्स पॉइंट माना ओ एंड सी, सर ओ एंड सी परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि ओमेगा किधर है, इधर ही है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है सर। ये अपने को मिल गया क्या पॉइंट ए। पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए देखना चाह रहा हूं, अभी पॉइंट ए मिला जैसे इससे पहले किया था, सेम वैसा ही पॉइंट ए मिल गया। अब पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए देखूंगा, दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, यस। सो यहां से ये एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन में कहीं ना कहीं बी होगा, आई डोंट नो कहां है, लेकिन बी तो होगा सर, बिल्कुल। अब बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी देखोगे, सो ये तो स्लाइडर स्लाइड हो रहा है, मतलब पैरेलल टू द फिक्स, पैरेलल टू द फिक्स, फिक्स कहां पे है, यहां पे है, सो इसके पैरेलल अगर एक लाइन खींचूंगा, सो इस पे कहीं ना कहीं बी होगा, इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस पे कहीं ना कहीं बी है, इसको आगे बढ़ाया, यहीं पे कट कर रहा है, सो आपका पॉइंट ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी फिर से एक जगह मिल रहा है, मतलब दिस इज ऑल्सो अ केस वेयर वेलोसिटी डायग्राम कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, वेलोसिटी डायग्राम कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। सो यहां पे भी आपको वेलोसिटी डायग्राम कैसा मिला, वेलोसिटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन मिला। स्ट्रेट लाइन एंड वी ए इक्वल टू वी बी, वी बी, वी ए तो इस पॉइंट की वेलोसिटी थी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वी बी किसकी वेलोसिटी है, स्लाइडर की सर, इस पॉइंट की वेलोसिटी, मतलब ये पॉइंट तो स्लाइडर में है, तो आपका स्लाइडर का वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी बता रहा है, मतलब ऐसे केस में आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर वी ए की वेलोसिटी निकाल लिए तो स्लाइडर की वेलोसिटी, अगर आपको पूछा किसकी वेलोसिटी, स्लाइडर की वेलोसिटी आपको पूछा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं यस सर हियर वी बी विल बी इक्वल टू वी ए, और आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं।
क्लियर हुई बात? ठीक, बाकी तो इससे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में जो बातें बताई थी, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस में वो स्लाइडर की ही वेलोसिटी पूछेगा। अच्छा, इसी को इस तरीके से दिखा रहा हूं, देखिएगा। ये स्लाइडर हो गया, स्लाइडर इज स्लाइडिंग वर्टिकली, और यहां पे ये क्रैंक है, ये ओ ए, ये बी एंड दिस इज सी। नाउ माय डियर, नाउ माय डियर, यहां पे देखो ये जो क्रैंक है वो हॉरिजॉन्टल है, और ये जो स्लाइडर जहां पे स्लाइड होने वाला है, दिस इज लाइन ऑफ स्ट्रोक। नाउ दिस इज लाइन ऑफ स्ट्रोक, सो लाइन ऑफ स्ट्रोक और क्रैंक आपस में कितना बनाएगा, ये देखो ये क्रैंक है, सो आपस में कितना बना रहा है, 90 डिग्री सर, परपेंडिकुलर है। सो इससे पहले भी तो आपने यही बताया था सर, इससे पहले भी तो आपने यही बताया था कि लाइन ऑफ स्ट्रोक और क्रैंक 90 डिग्री बना रहा है, यहां पे भी लाइन ऑफ स्ट्रोक और क्रैंक 90 डिग्री बना रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका भी वेलोसिटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। देखना चाहेंगे? चलिए, सबसे पहले ये पॉइंट फिक्स पॉइंट ओ, उसके बाद फिक्स पॉइंट सी, ठीक सर, ये हो गया ओ सी। लेट अस एज्यूम ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा ए ओ से घूम रहा है, सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विल बी ओमेगा ए ओ इनटू ए, कर सकता हूं, एंड दैट विल बी डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस लिंक। यस, डाउनवर्ड ये स्केल में कन्वर्ट करके मैंने ए पॉइंट बना दिया, ए पॉइंट बना दिया। पॉइंट बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू दिस लिंक। इस लाइन में कहीं ना कहीं बी होगा, इस लाइन में कहीं ना कहीं बी होगा, कहां आई डोंट नो, बट बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी सर वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सी यहां पे है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक लाइन खींचूंगा, उसमें कहीं ना कहीं बी होगा, इस पे कहीं ना कहीं बी होगा, सो ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक लाइन खींचा, ये लाइन को यहीं पे कट कर रहा है, मतलब यही एक पॉइंट आपका बी होना चाहिए। सो ये भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, सो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, सो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और इस पे ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हो। एक केस और मैं बताता हूँ, बाकी तो क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। एक केस नंबर थ्री, फॉर एग्जांपल, बाकी चीजें भी आप कर सकते हैं भाई, वो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, ये इस तरीके से लेट अस, ये हो गया ओ ए बी सी, ये कोई एंगल है अल्फा, ये कोई एंगल है बीटा, लेट अस एज्यूम ये कोई एंगल हो गया आपका कितना 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऑब्वियसली एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, सो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो दिस शुड बी 180 माइनस बीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा, यही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। अब इसका वेलोसिटी डायग्राम क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले तो फिक्स पॉइंट सर ओ एंड सी, ठीक, ये ओमेगा से घूम रहा है, लेट अस अज्यूम ओमेगा ए ओ, सो पॉइंट ए की वेलोसिटी निकाल सकते हैं सर, एंड दैट विल बी इस डायरेक्शन में निकलेगा, ये आपका पॉइंट ए, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, ये आपका पॉइंट ए मिल गया। अब पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए देखूंगा, पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो ये परपेंडिकुलर टू दिस लिंक आने वाला है, आने वाला है, ठीक है सर। सो एक लाइन यहां पे खींच दिया मैं, पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए से पॉइंट बी का देख रहे हो, सो ये परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, ये हो गया सर। इस लाइन में कहीं ना कहीं आपका बी, इस लाइन में कहीं ना कहीं आपका बी है, कहां है आई डोंट नो, लेकिन दूसरा चीज ये पता है कि बी स्लाइडर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, सो फिक्स के रिस्पेक्ट में, सो आपका जो सी के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही होने वाली है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं खींचा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ये पूरा खींच सकता हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं भाई, इधर भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला लाइन को आगे बढ़ाया,
सो ये यहाँ कहीं कट कर रहा है, इस लाइन में कहीं बी था, इस लाइन में कहीं बी है, सो दिस शुड बी द बी। नाउ वेलोसिटी डायग्राम कैसा बना? एक ट्रायंगल बना। वेलोसिटी डायग्राम कैसा बना? एक ट्रायंगल बना। नाउ माय डियर, इस पे ये जो एंगल्स हैं अंदर के वो बताने आपको ज़रूरी है, वो पता रहेगा तभी आप आराम से बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। ये बताओ, ये तो नोन था वी ए, ये नोन था, ये वाला जो वेलोसिटी है दिस इज नथिंग बट वी बी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। ये क्या हो जाएगा? वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, ठीक। अगर मुझे ना सर ये ट्रायंगल में अंदर का एंगल पता रहेगा सो मैं साइन रूल लगा के आराम से बाकी चीज़ें निकाल सकता हूँ, सिर्फ एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल पता है ना आपको, देखिए ज्योमेट्री, इसी को तो मैं कह रहा था ज्योमेट्री लगाना है। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये देखिए, ये एक परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लाइन डाला, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये 90, सो ये कितना होगा सर? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला लाइन कितना बनाया? 90 माइनस अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है? 90 माइनस अल्फा। मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये यहाँ पे अगर 90 माइनस अल्फा है तो यहाँ पे भी 90 माइनस अल्फा होना चाहिए। तो ये देखो, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 90 माइनस अल्फा सर, 90 माइनस अल्फा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ। बिल्कुल सर, क्योंकि ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, सो 90 माइनस अल्फा होगा, दिख रहा है अपने को, ठीक। ये अल्फा था, ये 90 था, तो ये 90 माइनस अल्फा, मतलब ये 90 माइनस अल्फा के बराबर ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल निकाल लिए। दूसरा एंगल, ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90, ये बीटा, तो ये फिर से आपका 90 माइनस बीटा होना चाहिए, 90 माइनस बीटा होना चाहिए। मतलब ये एंगल अगर 90 माइनस बीटा है तो ये भी आपका 90 माइनस बीटा होगा, सो दिस एंगल शुड बी 90 माइनस बीटा। अच्छा ये बताओ, एक ट्रायंगल में दो एंगल की वैल्यूज पता है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, ये 180 से अगर ये पूरा एंगल एक्स आया, ये पूरा एंगल अगर वाई के बराबर आ रहा है, सो यहाँ पे ये होना चाहिए 180 माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर होना चाहिए, यस और नो? होना चाहिए ना, देखो सिंगल वे में बता रहा हूँ ना, एक प्रोसेस को जस्ट फॉलो करना है और मुझे ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है? हाँ, अब देखो यहां पे क्या आप अब साइन रूल लगा सकते हैं? इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, बाकी सब एंगल्स पता है, तो वी ए डिवाइडेड बाई साइन, वी ए डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस बीटा सर, ठीक है भाई, कर सकते हैं। वी बी अगर निकालना है सो वी बी इक्वल टू सर, इक्वल टू सर वी बी डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस एक्स माइनस वाई, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, साइन रूल लगा रहा हूँ। एंड दिस शुड बी इक्वल टू वी बी ए, अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है सो साइन डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा मैं कर सकता हूँ, 90 माइनस अल्फा। सो दिस इज द साइन रूल, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा एक मिनट, जिनको समझ में आ गया वो तो समझ गए होंगे, लिख भी लिए होंगे, लेकिन ठीक है, कई लोगों को नहीं दिखा। तो देखिए साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है सर सामने वाले का एंगल साइन में और ये दिस डिवाइडेड बाय साइन दिस एंगल, ये होना चाहिए। सो साइन रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं, मुझे वी ए पता है तो वी ए डिवाइडेड बाय साइन दिस एंगल लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस बीटा लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर वी बी निकालना है मुझे, वी बी, सो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस एक्स माइनस वाई, अगर रिलेटिव निकालना रहेगा तो वी बी ए डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस अल्फा, वो भी इक्वल हो जाएगा, यही तो साइन रूल है। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात, ठीक। सो टिल नाउ जो मैंने आपको बताया तो यही अप्लाई करना है सवाल में। सो सवाल के शुरू थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, है ना? जैसे आपको बताया कि आज दशहरा है ना, मुझे कहीं जाना है, आज का लेक्चर मैं छोटा रखा हूँ, बहुत कम, मैं चाहता नहीं था कि जो रिदम है वो मिस हो आज लेक्चर। मैं सोचा था कि शूट नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, कि यार
समय का थोड़ा सा इशू था, लेकिन मैं बोला कि ठीक है ये रिदम मिस हो जाएगा ना, एक दिन लेक्चर मिस हो जाएगा, सो आप लोग भी वो चीज़ को मिस कर जाओगे, उस लिंक को मिस कर जाओगे। दैट्स व्हाई मैं सोचा कि कंटिन्यू में थोड़ी बहुत बातें इंटरेक्शन तो हो जाए ना, हैप्पी दशहरा तो बोल दूँ, कुछ अच्छी बातें भी कर दिया मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही लेक्चर रहेगा, ठीक। सो मैं आगे और लेक्चर्स लाते जाऊंगा तो उस पर ये टाइम मैनेज अपन करते जाएंगे, ठीक है ना। और आपको तो पता है मैं ख़त्म करा ही दूंगा, जैसा प्रोडक्शन हुआ थ्योरी ऑफ मशीन भी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, हैप्पी दशहरा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।